इस मैथ्स उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, ऑप्शन ए प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है, ऑप्शन बी पुष्टि नहीं की जा सकती है लेकिन यह सत्य है, मान्यता केवल पृथ्वी पर है, मान्यता केवल सौरमंडल में है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के, न्यूटन के ग्रेविटेशन रूल की जो प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई हो तो गुरुत्वाकर्षण जी होगा, गुरुत्वाकर्षण जी होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई हो तो गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। ऑप्शन ए जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ऑप्शन बी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ऑप्शन सी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई, ऑप्शन डी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर ई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई हो तो गुरुत्वीय त्वरण जी होगा, कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई, इसका मतलब स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटे भागे में पृथ्वी की त्रिज्या आर ई। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उनके बीच की दूरी पर। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण निर्भर नहीं करता है, सॉरी इसका प्रश्न था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उनके बीच की दूरी पर, क्योंकि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक में करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर करता है, तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 दो पिंडों के द्रव्यमान एम वन तथा एम टू हैं तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल आर है तो उनके बीच का आकर्षण बल एफ होगा, ऑप्शन ए एफ इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन कैपिटल जी इंटू आर स्क्वायर, बी ऑप्शन बी एफ इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन सी जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर, ऑप्शन डी एफ इज इक्वल टू एम वन एम टू कैपिटल जी इंटू आर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जी इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दो पिंडों के बीच का द्रव्यमान एम टू एम वन तथा एम टू है तथा उनके बीच की दूरी आर है तो उनके बीच का जो आकर्षण बल एफ होगा वो होगा कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है, ऑप्शन ए एम सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जी का कैपिटल जी का मात्रक होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है, ऑप्शन ए 0.667 इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन बी 66.7 इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन सी 667 इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन डी 6.67
इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 7। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान है, गाइस जो कैपिटल जी होता है वो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और जो स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है सभी स्थानों पर बराबर होता है, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि इसका व्यास कम है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, स्मॉल जी का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर गति करते हुए पिंडों की चाल समान होगी, का वेग समान होगा, का त्वरण समान होगा, पर बल समान होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, का त्वरण समान होगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर गति करते हुए पिंडों का त्वरण समान होगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक जो ऊर्ध्वाधर गति करते हुए पिंड है उनका त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगला प्रश्न। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधरत ऊपर की ओर, मतलब यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो वस्तु का वेग घटेगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, घटेगा। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस वस्तु का वेग जो होता है वो घटता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, जी का मान अधिकतम होगा भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पहाड़ों पर, पृथ्वी के केंद्रों पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। इस वीडियो में गाइज हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बाकी जो भी आपको समस्या हो, जो टॉपिक ना समझ में आया हो, या जिस टॉपिक का MCQ चाहिए, आप कमेंट में बताइए, उस टॉपिक का MCQ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो नई आए उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।